हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पावर शेयरिंग चैप्टर में मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में जैसे सिन्हाला स्पीकर ज़्यादा थे, तमिल स्पीकर कम थे, तमिल स्पीकर दो तरीके के थे, तो वो सब हम पढ़ के आ चुके हैं। एंड अब हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं कि श्रीलंका में क्या मतलब किस तरीके से जो है पावर शेयरिंग हुई। तो लेट्स स्टार्ट। तो श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट कब हुई थी, 1948 में। तो क्या हुआ था बेसिकली, जो लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी थे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के ऊपर अपनी डोमिनेंस करनी स्टार्ट कर दी। डोमिनेंस का मतलब होता है कि बेसिकली अपनी मेजॉरिटी थे क्योंकि वो, तो उन्होंने अपनी पावर दिखाना शुरू कर दिया कि भाई हम तो मेजॉरिटी में हैं, हम रूल करेंगे। तो दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेजॉरिटेरियन जो है, ये जो यहाँ पे शब्द लिखा है, वो वाले मेजर जो है लिए गए। तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, ये भी नीचे दिया है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि बेसिकली एक ऐसा बिलीफ जिसके अंदर माना जाता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसे कंट्री को रूल करना चाहिए जिस तरीके से भी वो चाहे, और उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई माइनॉरिटी का क्या होगा, ये वो बस अपना जो है सोचो। तो 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया सिन्हाला लोगों ने, जिसमें इन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बता दिया कि भाई श्रीलंका की तो ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला है एंड तमिल नहीं है। अब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज अब फॉलो करना स्टार्ट किया जो सिन्हाला स्पीकर्स ने उन्हें बोला। जैसे कि पहली ये थी कि फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए सिन्हाला एप्लीकेंट को फेवर किया गया। देखो, सेकंड पॉइंट तो ये था कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, प्लस जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अंदर बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करना चाहिए, फॉस्टर करना चाहिए, उसे मानना चाहिए, वो बना दिया गया। तो ये मेरा हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया। अब ये सारे जो गवर्नमेंट मेजर्स थे इनसे जो है श्रीलंका वालों को बड़ी ज़्यादा, मतलब श्रीलंकन तमिल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। उन्हें एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन आ गया, मतलब दुख होने लगा कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब इनके बीच में बड़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। उन्हें ये लगने लगा तमिल लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट जो है हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहा है और हमें डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ जो है कर रहा है। तो अब तमिल लोगों के अंदर आया गुस्सा और इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स ने पहले तो पार्टीज एंड स्ट्रगल्स लॉन्च करे कि भाई तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लो और इक्वालिटी दो ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। भाई सही बात है, तमिल्स को कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा थोड़ी होता है। फिर 1980s तक जो है काफ़ी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी जिनमें तमिल स्टेट की मांग करी गई थी। तमिल ईलम मतलब तमिल स्टेट की मांग करी गई थी बेसिकली श्रीलंका के ऊपर और ईस्ट वाले पार्ट में जो है ये रहते थे ना, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारी अलग स्टेट बना लो तुम, अगर तुम्हें राइट्स नहीं देने तो। तो अब माने नहीं सिन्हाला स्पीकर, तो उन्होंने क्या किया, सिविल वॉर स्टार्ट कर दिया। सिविल वॉर क्या होता है, सिविल वॉर एक बहुत ही बड़ा वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट दो ग्रुप्स के बीच में होता है किसी एक कंट्री में, जो लगता है कि वॉर की तरह ही है, इस वजह से उसका नाम भी सिविल वॉर लिखा गया। तो इतने सारे लोग उस सिविल वॉर में, इतने सारे लोगों की जो है जान चली गई, लाइक लिटरली थाउजेंड ऑफ पीपल को, दोनों कम्युनिटीज़ के जो है चले गए इस दुनिया से। बहुत सारी फैमिलीज़ को फोर्स किया गया कि तुम भाई कंट्री को लीव कर दो, और काफ़ी सारे लोगों ने तो अपना लाइवलीहुड ही जो है लॉस्ट कर दिया। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। और ये जो है कब ख़त्म हुआ, 2019 में ये मेरा जो सिविल वॉर था ये जो ख़त्म हुआ। सो अब आप देख सकते हो कि जो तमिल मतलब जो श्रीलंका थी उन्होंने कितना ज़्यादा बुरा तरीका अपनाया। ठीक है,
सिन्हाला लोगों ने कितना बुरा तरीका अपनाया। तो अब आप सोचो कि बेल्जियम में क्या होगा, बेल्जियम में क्या बिल्कुल श्रीलंका की तरह ही होगा। सो लेट्स सी, बट वो हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।